वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पिछले की क्लास में हम लोग ने यूनिट टू का पार्ट वन कंप्लीट किया था, जिसमें डिसर्नमेंट को हमने कंप्लीट किया था। और इस क्लास में हम लोग जो हमारी बाकी की जो टॉपिक्स रह गई थी उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो ये जो हमारी टॉपिक्स थी, द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशंस, द नीड फॉर इमोशनल बैलेंस। तो ये जो तीन टॉपिक्स है उसको आज हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। सो आई होप सो कि ये आज की क्लास आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग करने वाले थे, हाँ, द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब आपको मालूम ही होगा कि कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है टकराव, ठीक है। और रिसोल्यूशन का मतलब होता है समाधान, समाधान। ओके, माउस से थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, राइटिंग नहीं बन रही है, डोंट माइंड इट। ओके, तो ये जो टकराव होते हैं उसका समाधान निकालने का जो आर्ट है वो क्या है, और कौन कौन सी वो कलाएं हैं जिससे हम लोग टकराव को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन क्या है। तो ये एक रिसोल्यूशन, सॉरी, तो ये ना एक प्रोसेस है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो सोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ में, बहस होता है, बहस वगैरह होता है, तो उसका हम लोग सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। मान लो कि आप हो यहाँ पे, ए फॉर आप और एस फॉर योर सिस्टर। आप हो मतलब, और आपकी एक सिस्टर है, उन दोनों में मनमुटाव हो गया, मतलब बहस हो गई, तो मम्मी आती हैं फिर झगड़ा सुलझाती हैं। तो वो झगड़ा कैसे सुलझता है और वो सुलझाने की जो टेक्निक है, जो आर्ट है, उसी को आज हम सीखेंगे कि कैसे किया जाए कि वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा ना हो और टकराव कम हो, और हो भी तो उसका सोल्यूशन कोई निकल जाए, ठीक है। तो ये एक बहुत ज़्यादा इसेंशियल स्किल है जो कि हमें पर्सनल लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ में भी ज़रूरी होता है सीखना। इतना ज़रूरी है जैसे आप कोई कहीं जॉब कर रहे हो, और जॉब में तो अक्सर ये सब डिबेट्स वगैरह होती रहती हैं और ये कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होती रहती हैं, तो इसको ओवरकम कैसे किया जाए और ये सब चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जाए, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंड जैसे पर्सनल लाइफ में तो बहुत ज़्यादा होते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकला जाए, इसका आर्ट है द आर्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन। सो जैसे मैंने बताया कि ये पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, उसको ये स्किल जो है उसको कम करती है, ठीक है। तो ये तो जनरली नॉर्मल पार्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह। अब ये तो नहीं है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करता है या फिर वो बंद ही कर दें, नहीं, होती रहेगी कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन उसको कैसे हम लोग सॉल्व करें, सोल्यूशन क्या है उसका, दैट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट। ओके, तो यहाँ पे कुछ की प्रिंसिपल हैं जिससे टेक्निक्स हैं जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है कॉन्फ्लिक्ट जो रिसोल्यूशन होता है उसके लिए, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसका सोल्यूशन जो है उसके लिए, ये जो की पॉइंट है वो थोड़ी सी टेक्निक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट है हमारा एक्टिव लिसनिंग। ये जो देख रहे हो यहाँ पे पिक्चर बता रहा है, एक मिनट कलर चेंज कर लेती हूँ इसका। ये एक बंदा यहाँ पे बोल रहा है, एक मिनट, हाँ अब ठीक है। ये महाराज यहाँ पे बोल रहे हैं और ये ब्रेन खुलकर उसको सुन रहे हैं। तो इससे क्या मालूम चलता है, ये सामने वाला जब बोल रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनो, उसको एब्जॉर्व करो, एक्वायर करो उसको। ये नहीं कि वो सामने वाला बोलते जा रहा है और आप अपने मन में सोच रहे हो कि ये जो बोल रहा है इसके बाद मेरे को क्या बोलना है, नहीं, उसके सिचुएशंस को समझो, वो जो बोल रहा है उसको समझो, एंड देन उसके बाद जब वो बोल ले और जब आपका टर्न आए तब बोलो, तब बेहतर होगा ये। तो ये एक वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्किल है, लिसनिंग स्किल। ये जो गुड लिसनर जो होते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोसेस में गुड लिसनिंग भी, एक्टिव लिसनिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इससे क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस कम होते हैं।
अगर आपको गुड कम्युनिकेटर बनना है, गुड स्पीकर बनना है, तो आपको गुड लिसनर पहले बनना पड़ेगा। एक्टिव लिसनिंग को पहले आपको सीखनी पड़ेगी कि ये कैसे की जाती है। तो ये जो एक्टिव लिसनिंग है वो कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकती है, ठीक है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो लिखने के लिए। जैसे कि आप सुन रहे हो चीज़ों को, कोई बोल रहा है तो आप अंडरस्टैंड कर सकोगे सामने वाले की जो भावना है उसको, उसका पर्सपेक्टिव जो है उसको समझ पाओगे आप। और ये जो है एक बहुत ही ज़्यादा स्किल है अच्छी सी, ठीक है। तो दिस वन कुड बी अ वेरी हेल्पफुल टेक्निक विच हेल्प यू टू इंश्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड देयर पर्सपेक्टिव करेक्टली। आर सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन। सो इन द पास्ट वीडियोज, इन पास्ट लेक्चर्स, आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट कम्युनिकेशन, दैट वॉट द कम्युनिकेशन इज एंड वॉट इट्स प्रोसेस आर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये कम्युनिकेशन पर भी। सो वट यू थिंक वट कम्युनिकेशन इज? तो एज यू कैन सी हियर सम पीपल्स आर टॉकिंग इन ग्रुप, दे आर डिस्कसिंग इन ग्रुप, ग्रुप डिस्कशन हो रहा है इन लोगों में। सो रिस्पेक्टफुल जो एक कम्युनिकेशन होता है, दिस कैन डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, री कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो कम्युनिकेशन है अगर रिस्पेक्टफुल वे में किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उसको हम लोग कम कर सकते हैं। और जो हम लोग जो लैंग्वेजेस होते हैं, जो एब्यूसिव लैंग्वेजेस होते हैं, इन्फ्लामेटरी लैंग्वेजेस होते हैं, डिफेमिंग लैंग्वेजेस होते हैं, जो हम लोग दूसरे को शेम फील कराने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर दूसरे को थोड़ा सा एंग्री फील कराने के लिए जो हम लोग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, लेकिन बाद में हमें गिल्ट होता है कि रिग्रेट होता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए था, एंड देन कन्फ्लिक्ट नहीं होती। सो उसको थोड़ा क्या करना, डिक्रीज करना। दिस विल हेल्प टू रिमूव कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन। सो टॉकिंग टू एनीबॉडी एल्स और जस्ट डूइंग कम्युनिकेशन इन अ रिस्पेक्टफुल वे कैन डिक्रीज कॉन्फ्लिक्ट, एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व इट इन अ गुड वे। सो दिस विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। एंड लेट्स मूव टू आवर थर्ड टॉपिक, एम्पैथी। सो वॉट यू थिंक एम्पैथी इज? तो पिछली क्लासेस में मैंने बताया था कि एम्पैथी क्या होती है, और आई होप सो कि आपने वो क्लासेस अटेंड कर ली हैं। अगर नहीं किया है तो अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आपको ये पॉइंट। बेसिक्स ऑफ एथिक्स वाले टॉपिक में था हमारा, लेक्चर वन होगा ऐसे करके। सो एम्पैथी क्या है? एम्पैथी हमने पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किया था, तो आई होप सो कि आपको वो पता होंगी। अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। ये जो है वो हम लोग इसको यूज़ करते हैं। एम्पैथी एक प्रोसेस है जिससे हम दूसरे की कंडीशंस को समझते हैं, उनके पर्सपेक्टिव को समझते हैं, ठीक है, उनके कंडीशंस को समझते हैं, और वो क्या फील कर रहे हैं हम लोग ये भी समझते हैं। तो ये जो है वो पर्सन्स की फीलिंग को हमें समझने में हेल्प कराती है, उनके पर्सपेक्टिव को समझने में हमें हेल्प कराती है, और ये जो है वो कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, कॉन्फ्लिक्ट उसको कम करती है, बहस जो होती है वो उसको कम करती है, और आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग, नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इसको यहाँ सोचा और यहाँ सोल्यूशन निकल गया। सो बात यही है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को कम करती है। अब आप प्रॉब्लम को सोच रहे हो कि प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हुआ, इसकी जगह आप सोच सकते हो कि उसको सॉल्व कैसे किया जा सके, सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो ये जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे आप सोच सकते हो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, और तो प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाएंगी तो ऑफकोर्स कॉन्फ्लिक्ट विल डिक्रीज। तो ये जो है वो एक कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम है सॉल्विंग, जो कि इफेक्टिव टेक्निक है। और ये जो रिसॉल्विंग प्रोसेस होता है कॉन्फ्लिक्ट का, उसमें एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट होता है हमारी चीज़ों में, या फिर हमारी जो नीड होती है वो दोनों पार्टीज़ की, या फिर दोनों पर्सन्स की, दोनों पर्सपेक्टिव की, उसको क्या करती है ये वर्क टुगेदर करती है, और फिर एक म्यूचुअली कंसेप्ट को, जो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन होता है उसको बिल्ड करती है, एंड देन प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है।
कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाती है, थोड़ी नहीं मतलब ज़्यादा नहीं बट थोड़ी सी ही सॉल्व हो जाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्प्रोमाइज़। तो आपने सुना होगा कि कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, यहाँ पे हैंडशेक हो रहा है मतलब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। ये एक जो है वो एक एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की, जो कि दोनों पार्टी जो हैं उसको अग्री होना चाहिए सेम लेवल पर। ये नहीं कि सामने वाला थोड़ा सा है और मैं सबसे ज़्यादा हूँ, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट की थोड़ी चांस ज़्यादा होती है बढ़ने की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि कॉमन ग्राउंड को फाइंड करते हैं और जो कॉमन सॉल्यूशन होता है उसको ढूंढते हैं। जो कॉमन सॉल्यूशन होता है, कॉमन सॉल्यूशन, कॉमन जो सॉल्यूशन होता है हमारा, उसको हम लोग ढूंढते हैं कि हमारा कॉमन सॉल्यूशन क्या निकलेगा। एंड देन जो एक स्टेज पर पहुंचती है वो सॉल्यूशन, तो अगर वो दोनों पार्टीज़ को अगर ऐसा लगा कि हाँ ये ठीक है, देन वो कॉन्फ्लिक्ट कम होने की चांसेस ज़्यादा हो जाती हैं। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स, सॉरी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आप लोग को समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स ये जो एक है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स और टेक्निक को ज़रूरत होता है, मतलब ये रिक्वायर करती है स्किल्स को भी और टेक्निक्स को भी। सो यू कैन से दैट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल एंड टेक्निक्स। ओके, तो यहाँ पे स्किल्स एंड टेक्निक्स, यहाँ पे ऐसे लिख दे रही हूँ, TECH, स्किल्स और टेक्निक्स दोनों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को हम लोग कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन ढूंढने का। ठीक है, मतलब कॉन्फ्लिक्ट को कम करना, उसको सॉल्यूशन को ढूंढना, जो बहस हो रहा है उसका जड़ क्या है। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन। तो यहाँ से हम लोग को मालूम चल रहा है कि ये डिस्ट्रक्टिव इमोशंस क्या होते हैं। आपको क्या लगता है कि डिस्ट्रक्टिव इमोशंस क्या होते होंगे? तो डिस्ट्रक्टिव से थोड़ा सा मतलब जैसे है वो हीट की तरह लग रहा है, मतलब ये थोड़ा हार्मफुल लग रहा है, तो इससे आप सोच सकते हो डिस्ट्रक्टिव। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन, उसका हिंदी होता है, एक मिनट इसको अच्छे से लिख लेती हूँ, विनाशकारी भावनाएं या फिर विध्वंसक भावनाएं, आप ऐसे कह सकते हो। और कंस्ट्रक्टिव इमोशंस जो होती हैं वो होती हैं रचनात्मक और इमोशंस मतलब भावनाएं। ओ वेट, कितना गंदा लिखा रहा है इससे, माउस है ना तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है लिखने में। भावनाएं, यस, तो भावनाएं। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि इमोशंस जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और इनएविटेबल पार्ट होते हैं ह्यूमन के। ठीक है, और जो कि हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि कुछ इमोशंस जो होती हैं हमारी वो हार्मफुल होती हैं। जैसे हम लोग काफ़ी ज़्यादा जब स्ट्रेस में जब हम लोग होते हैं तो वो हमारे जो इमोशंस होते हैं वो कुछ अलग होते हैं, थोड़े से हम लोग डिप्रेस हो जाते हैं। एग्ज़ाम को लेकर जो हमारी चिंताएं होती है वो थोड़ी सी अलग होती हैं, डिप्रेशन वाली नहीं होती बट वो स्ट्रेस वाली होती है। लेकिन जो डिप्रेशन वाली जो भावनाएं होती हैं वो डिस्ट्रक्टिव होती हैं, उस फेज पर लोग कुछ भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ी सी डिस्ट्रक्टिव कह सकते हैं। या फिर इससे अलग जैसे कुछ अलग भावनाएं जो होती हैं, जैसे जो हार्मफुल होती हैं भावनाएं, जो हार्मफुल इमोशंस होती हैं उसको डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, आप इतना समझ लो। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव जो होती हैं वो थोड़ी सी बेनिफिशियल होती हैं, BEN मतलब बेनिफिशियल और हार्म, यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है, हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल और बेनिफिशियल, कंस्ट्रक्टिव इज़ फॉर बेनिफिशियल एंड डिस्ट्रक्टिव इज़ फॉर हार्मफुल। तो डिस्ट्रक्टिव इमोशन जो होती है वो हार्म
हमें पहुंचाती है, और जो ये कंस्ट्रक्टिव इमोशंस होते हैं वो हमें बेनिफिट्स पहुंचाती हैं। ठीक है, तो ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टिव, आई थिंक सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इमोशंस क्या होती हैं। तो हम लोग अभी बात करेंगे डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के बारे में। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होती हैं वो हमें हार्म पहुंचाती हैं, हमें तो पहुंचाते ही हैं, हमें तो पहुंचाती ही हैं, साथ में अदर्स को भी पहुंचाती हैं, दूसरों को भी ये हार्म पहुंचाती हैं। मतलब अगर हम गुस्से में कह दी किसी को कुछ भी तो वो बुरा मान जाएगा। एक तो हम खुद से खुद टेंशन में हैं और दूसरों को भी टेंशन में डाल देंगे, वो भी सोचते रहेंगे, या फिर फिजिकली टेंशन में डाल देंगे हम लोग, या फिर मेंटली, जो कि हम लोग इमोशनली कह सकते हैं। जैसे कि एंगर जो हो गया वो डिस्ट्रक्टिव इमोशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ, एक मिनट, इसको इरेज कर दे रही हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि ये यहाँ पे सैड है, यहाँ पे थोड़ा सा ये सरप्राइज्ड है, यहाँ पे थोड़ा सा खुश है, यहाँ पे थोड़ा एंग्री है, यहाँ पे थोड़ा सा एंग्री है, यहाँ पे तो अचंभित है ये पूरा। तो हाँ, डिस्ट्रक्टिव का एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल राइटिंग को प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, माउस से लिख रही हूँ इसलिए गंदा राइटिंग बन रहा है मेरा। ओके, तो एंगर जो हो गया, एंगर, और एक मिनट, ऐसे, हाँ, एंगर, और जो ईर्ष्या होती है जिसे एनवे बोलते हैं हम लोग, एक मिनट यार, जिसे ईर्ष्या बोलते हैं, आई होप सो कि आपको ये मालूम होगा। जेलसी, जे लिख दे रही हूँ सिर्फ, जेलसी, और जो हम लोग हेट करते हैं, ट्रेड, वो ये सब जो है डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है। तो इसको बैलेंस करना ज़रूरी है, ये ज़्यादा हो जाए, ये ओवरडोज हो जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, डेंजरस हो सकती है। ओके, तो ये जो इमोशंस होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर सकती हैं, जो कि बहस वगैरह, टकराव हो गया, मनमुटाव वगैरह हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएट कर सकती हैं। सो वी नीड टू बैलेंस इट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हमें दे सकती है, हम लोग वायलेंस भी कर सकते हैं इस इमोशंस के साथ, और ये बहुत सारे इफेक्ट छोड़ सकती है। जैसे फिजिकली हम लोग किसी को हमने किसी को डैमेज कर दिया, या फिर मेंटली हम लोग डैमेज हो गए खुद, या फिर दूसरों को कुछ बोल दिया ऐसा कि वो सोचने लगे, एंड सोचते सोचते वो स्ट्रेस में चला गया, एंड पता नहीं क्या क्या बला बला। ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, आप ये मत लिखना एग्जाम में। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रक्टिव इमोशन, आपको समझ में आया होगा, आई होप सो। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन आर लाइक टू साइड ऑफ अ कॉइन। ये जो डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इमोशन है वो दो सिक्के जो होते हैं उसके दो पहलुओं की तरह हैं, मतलब दो साइड्स की तरह। ठीक है, इच विद इट्स ऑन इम्पैक्ट ऑन आर लाइफ एंड रिलेशन, लाइफ एंड रिलेशनशिप, और ये अलग अलग इम्पैक्ट छोड़ती है हमारे रिलेशनशिप या फिर हमारी ज़िंदगी में। जैसे एक तो खुशी लाएगी, दूसरा डिस्ट्रक्शन। ओके, डिस्ट्रक्टिव इमोशन सच एज एंगर, जेलसी और रिसेंटमेंट कैन हार्म और वेल बींग एंड डिस्टर्ब कनेक्शन विद अदर्स। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस होती हैं वो ये एंगर वगैरह, जेलसी और रिसेंटमेंट वगैरह क्रिएट करती हैं, और हमें तो हार्म करेंगी ही, साथ में दूसरों को भी डुबाएंगी। ठीक है, डुबाएंगी मतलब दूसरे को भी इफेक्ट पड़ेगा इससे, और हमारे जो कनेक्शंस होते हैं वो इससे डिस्टर्ब हो सकते हैं, हमारे खुद के साथ, मतलब मेंटल बैलेंस के साथ, और दूसरों के साथ भी, फिजिकली और मेंटली भी कंट्रोल नहीं हो पाता है लोगों को। दे ऑफन अराइज फ्रॉम निगेटिव थाट्स और एक्सपीरियंसेस एंड कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रेस एंड अनहैप्पीनेस। ये तो पहले निगेटिव थाट्स से शुरू होती हैं, या फिर एक्सपीरियंसेस के साथ, जैसे किसी के साथ लड़ाई हो गया, फिर हम स्टार्ट कर देते हैं निगेटिव थाट्स सोचना उनके बारे में, कि और ऐसी ऐसी चीज़ें क्या हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, और मतलब मुझे गाली दिया था उसने, ये किया था, वो किया था, पहले भी ऐसे हो गया था, ऐसे सोच सोच कर फिर स्ट्रेस में हम लोग चले जाते हैं, बहस होने लगती है और अनहैप्पी हो जाते हैं हम लोग, उदास हो जाते हैं, खुश नहीं रहते हैं, और फिर ये बहुत बड़ा झगड़े में तब्दील हो जाता है, एंड ईगो भी आ जाता है इसमें बीच में। इसलिए इसे कंट्रोल करना इज़ नॉट रियली, क्या बोल सकते हैं, नॉट रियली ईजी। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड कंस्ट्रक्टिव, अब हाँ, इसके बारे में तो मैंने बात ही नहीं किया, अभी मैं खुद के वर्ड में बता दे रही हूँ इसको। तो ये कंस्ट्रक्टिव इमोशन जो होता है, कंस्ट्रक्टिव इमोशन ये जो होता है वो रचनात्मक भावनाएं होती हैं। रचनात्मक में आपको समझ में आ रहा होगा कि जैसे कंपैशन हो गया,
लव हो गया, एम्पैथी हो गया, जॉय हो गया, ये सभी इमोशंस जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव के अंडर आती है। ठीक है, तो ये जो होता है वो वेल बींग को प्रमोट करता है, और ये इससे जो होती है पॉजिटिव आउटकम आती है, और इससे जो होती है वो नेगेटिव, नेगेटिव आप माइनस में भी ऐसे कर दो, नेगेटिव आउटकम डिस्ट्रक्टिव से आती है, और पॉजिटिव आउटकम जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव इमोशन से आती हैं। ओके, तो इसका आपने एग्जांपल लिया जैसे कंपैशन वगैरह हो गया, एम्पैथी वगैरह हो गई, जॉय वगैरह हो गया, ये सभी जो इटिसी जो ये हैं वो कंस्ट्रक्टिव इमोशन के अंडर आती हैं। तो ये जो इमोशंस होती हैं वो पॉजिटिव रिलेशनशिप को इंक्रीज़ करती हैं, हैप्पीनेस को इंक्रीज़ करती हैं, और फिजिकल रिलेशनशिप के साथ साथ मेंटल रिलेशनशिप को भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं। ठीक है, ओके, अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर क्या है। ऑन दी अदर हैंड, कंस्ट्रक्टिव इमोशन लाइक ग्रेटिट्यूड, एम्पथी एंड जॉय हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन आवर मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ। तो ये जो कंस्ट्रक्टिव इमोशन होती हैं वो जैसे ग्रेटिट्यूड, एम्पथी एंड जॉय, और ये सब जो होती हैं वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे मेंटल को और हमारे इमोशनल हेल्थ को भी। दे प्रमोट हार्मोनी, रिजाइलेंस एंड पर्सनल ग्रोथ, इन्हेंसिंग आवर रिलेशनशिप एंड ओवरऑल सेटिस्फेक्शन इन लाइफ। तो ये हमारे लाइफ में सेटिस्फेक्शन को, रिजाइलेंस को, हार्मनी को, पर्सनल ग्रोथ को, ये सभी चीज़ों को इन्हेंस करती हैं, और इससे क्या होता है कि हमारे लाइफ में जो वो रिलेशनशिप्स होती हैं वो भी इन्हेंस होती हैं, उसमें भी थोड़ा सा सुधार आता है, और हमारी लाइफ में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इमोशन स्टेम फ्रॉम पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस एंड थॉट्स, फोस्टरिंग एम्पथी, अंडरस्टैंडिंग एंड कनेक्शन विद अदर। तो ये जो होती हैं वो इसका स्टेम जो होता है वो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस होता है, थॉट्स होता है पॉजिटिव, और फॉस्टरिंग एम्पैथी होता है, और अंडरस्टैंडिंग जो होती है हमारी गुड अंडरस्टैंडिंग वो होती है, और कनेक्शन विद अदर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव इमोशन अलाउ अस टू कल्टिवेट ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेक चॉइसेस दैट लीड टू फ्रॉम मोर फुलफिलिंग लाइफ। तो ये जो होती है अंडरस्टैंडिंग, जो डिस्ट्रक्टिव और डिफरेंस जो होती है उसको हम समझेंगे। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जो इमोशन होती हैं उनके पास डिफरेंट यही होता है कि ये जो होती है वो इमोशनल बैलेंस को कल्टीवेट करती हैं, अलाउ अस टू कल्टीवेट ग्रेटर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मेक चॉइसेस दैट लीड टू मोर फुलफिलिंग लाइफ। ठीक है, तो ये जो हमारी लाइफ को होती हैं वो फुलफिल करती हैं। बाई एक्नॉलेजिंग एंड मैनेजिंग डिस्ट्रक्टिव इमोशन, डिस्ट्रक्टिव इमोशन है जो उसको मैनेज करने से हमें क्या होगा कि नर्चरिंग कंस्ट्रक्टिव वंस। तो इसको डिस्ट्रक्टिव इमोशन को कंट्रोल करके ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टिव इमोशन जनरेट होंगी, उसके बारे में हम लोग सोचेंगे, एंड गुड इमोशन जनरेट होंगी, प्रमोट होंगी, एंड कैन फोस्टर हेल्दी रिलेशनशिप। और ये इसके वजह से हम लोग का जो है रिलेशनशिप होगा, किसी के साथ भी रिलेशनशिप हो, फैमिली के साथ हो, सिस्टर भाई बहन पेरेंट्स एनी वन फ्रेंड्स कोई भी हो, उसके साथ हेल्दियर रिलेशनशिप होती है, झगड़े की चांसेस कम होती है, और निगेटिव चैलेंज जो होते हैं वो कम होते हैं उनके होने के चांसेस। और ये जो होता है वो सेंस को बढ़ाता है वेलबींग एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसके साथ डील कैसे किया जाए, डिस्ट्रक्टिव इमोशन के साथ जो बर्बाद करने वाली जो इमोशंस होती है उसको कैसे डील किया जाए। ऑफकोर्स सबके साथ होती है, तो इसको कैसे डील किया जाए और कैसे हम लोग ओवरकम करें इसका। ठीक है, तो पहले मैं बता दे रही हूँ खुद के ऑन वर्ड्स में कि पहले हम लोग समझे कि ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, पहले हम लोग उस सोर्स को आइडेंटिफाई करें कि ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस हो रहा है ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ये जो सोर्स होगा ना वो जो भी इमोशंस हम लोग का आ रहा है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, वो चीज़ें नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग माइंड को अपना थोड़ा हेल्दी रखना, जैसे गुड फूड्स लेना, ठीक है, दिस वन विल हेल्प अस मोर टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रक्टिव इमोशंस। ठीक है, तो ये एक जो है वो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करेगा अगर हम उसके जड़ को ढूंढें कि ये क्यों क्रिएट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, और उसको हम सॉल्व करें कि क्यों हो रहा है ये। ठीक है, अब प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, तो ये जो हम लोग का मोमेंट होता है जो कि ऑब्जर्व करते हैं हम लोग थॉट्स को, इमोशंस को, बिना जजमेंट कर, उसको हम लोग प्रैक्टिस करें, जो कि हमारे इंटेंसिटी जो होता है हमारा पॉजिटिव इमोशंस का, उसको क्या करेगा ये हेल्प करेगा हमारा
डिस्ट्रक्टिव को रिड्यूस करने में और पॉजिटिव को इंक्रीज करने में, और हमें अवेयर कराएगा कि डिस्ट्रक्टिव इमोशन आ रहा है, चलो इसको कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें खुद से कि भाई ठीक है, नो वरी, प्रॉब्लम ही है, सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग किसी से मदद भी ले सकते हैं, सपोर्ट भी ले सकते हैं किसी के साथ, किसी एक्टिविटीज़ में हम लोग पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हैं, अब जानते हैं हम लोग इसको कैसे कंट्रोल करें। डीलिंग विद डिस्ट्रक्टिव इमोशन इन्वॉल्व सेवरल स्टेप टू हेल्प मैनेज एंड मिटिगेट देयर इम्पैक्ट ऑन आवर वेल बींग एंड रिलेशनशिप। तो ये जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन है उसके साथ डील करना, जो क्या होगा कि हमारे, अगर डील नहीं करेंगे हम लोग तो उससे हार्म होगा, अगर डील करेंगे तो बेनिफिट होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाए। अवेयरनेस, रिकॉग्नाइज व्हेन यू आर एक्सपीरियंस डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, पे अटेंशन टू फिजिकल सेंसेशन, थॉट्स एंड बिहेवियर दैट एक्योम्पनी दिस फीलिंग्स। तो उस जड़ को ढूंढिए, उस प्रॉब्लम को ढूंढिए जहाँ से ये क्रिएट हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, पॉज एंड ब्रीद, टेक अ मोमेंट टू पॉज एंड ब्रीद डीपली। दिस सिंपल एक्शन कैन हेल्प यू रिगेन कंट्रोल ऑफ योर इमोशन एंड क्रिएट स्पेस फॉर रैशनल थिंकिंग। तो एक और चीज़ है मैं खुद ऐड करना चाहूँगी इसमें, कि जो है प्राणायाम, उसको करने से जो डिस्ट्रक्टिव इमोशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होती है। जब गुस्सा आए ना तेज, तो एक डीप ब्रीथ करो। डीप ब्रीथ करने से क्या होता है कि हमारे जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो कंट्रोल में होते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर होते हैं वो नॉर्मल हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि गुस्सा कम आता है, ठीक है, यही बता रहा है ये। आइडेंटिफाई ट्रिगर, जिससे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिस सिचुएशन से ये क्रिएट हो रही है डिस्ट्रक्टिव इमोशन, जिस थॉट से हो रही है, उसको पकड़ो कि कहाँ से हो रही है, और कोशिश करो कि इसको हटाया जाए, इसको रिमूव किया जाए, और इससे हमें आज़ादी मिले कि कहाँ से ये क्रिएट हो रही है, ठीक है। अंडरस्टैंड एंड ट्रिगर योर डिस्ट्रक्टिव इमोशन, इसको हटाओ, समझो कि कहाँ से आ रही है। इज़ इट सर्टेन पीपल, क्या ये कुछ लोगों की वजह से हो रही है, या फिर सिचुएशन की वजह हो रही है, या फिर थॉट से हो रही है। अगर सिचुएशन से हो रही है तो उस सिचुएशन में पड़ो ही मत, अगर थॉट से हो रही है तो उस थॉट को निकाल दो, और किसी लोगों से हो रही है तो उन लोगों से मत मिलो, बात ही मत करो, उससे क्या ज़रूरत है बात करने की। आइडेंटिफाई ट्रिगर कैन हेल्प यू एंटिसिपेट एंड मैनेज इमोशनल रिएक्शन मोर इफेक्टिवली। जैसे हमारे शरीर में घाव हो जाता है तो हम उसके लिए कोई स्पेसिफिक सा मलहम वगैरह यूज़ करते हैं, या फिर जैसे कि हम लोग दवा लेते हैं उसको ठीक करने के लिए, ठीक वैसे ही डिस्ट्रक्टिव इमोशंस को हटाने के लिए हम लोग उस सिचुएशन को ढूंढो कि किस कारण से ये हो रही है, क्या ये लोगों से हो रही है, क्या सिचुएशन से या थॉट से हो रही है, उसको हटाओ, ठीक है। चौथा, एक्सप्रेस इमोशंस कंस्ट्रक्टिवली। और चौथा ये है कि ये जो अपना इमोशंस है उसको ट्राई करो कि आप हेल्दी वे में उसको आप शो करो, स्माइली वे में, स्माइल करते रहो, इससे स्ट्रेस कम होता है। प्रैक्टिस सेल्फ कॉम्पेशन, बी काइंड टू योरसेल्फ व्हेन एक्सपीरियंस डिस्ट्रक्टिव इमोशन। जब आपको ये डिस्ट्रक्टिव इमोशन हो रहा है तो खुद के लिए काइंड फील करो, और काइंडली अपने से बात करो, ठीक है, लॉयलिटी के साथ, और उसको हटाओ, उसको सोचो कि कैसे ट्रीट किया जाए, एम्पथी को कैसे बिल्ड किया जाए, और अंडरस्टैंडिंग कैसे ऑफर किया जाए, ठीक है। सिक्स है हमारे चैलेंज निगेटिव थॉट्स, क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ निगेटिव थॉट्स एंड दैट फ्यूल डिस्ट्रक्टिव इमोशन। और ये क्वेश्चन करो कि निगेटिव थॉट्स को कहाँ से फ्यूल मिल रहा है ऐसा कि ये डिस्ट्रक्टिव इमोशन को पैदा कर रही हैं। कंसीडर अल्टरनेटिव परस्पेक्टिव और रेंटरप्रेट सिचुएशन इन अ मोर पॉजिटिव लाइट। और ये जो सिचुएशंस है हमारे जो निगेटिव में, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। सीख सपोर्ट ढूंढो, रीच आउट टू सपोर्टिव फ्रेंड के पास जाओ, फैमिली मेंबर के पास, या फिर मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जो कोई साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट जो हैं वो इंकरेज करेंगे, आपको इंकरेज करेंगे, फ्रेंड्स इंकरेज करेंगे। और टॉकिंग टू समवन यू ट्रस्ट कैन प्रोवाइड परस्पेक्टिव एंड हेल्प यू निगेटिव चैलेंज इमोशंस। तो किसी से बात करके ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कल्टिवेट पॉजिटिव कॉपिंग स्ट्रेटजीज, इंगेज इन एक्टिविटीज दैट प्रमोट रिलैक्सेशन सच एज मेडिटेशन, एक्सरसाइज और स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। दिस प्रैक्टिसेस कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड बिल्ड इमोशनल रेजिलियंस। सो किसी एक्टिविटीज़ में इंगेज करना जिससे कि हमें रिलैक्सेशन फील हो, ठीक है, जैसे मेडिटेशन, एक्सरसाइज करने से, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करने से, ये जो प्रैक्टिसेस हैं वो स्ट्रेस को हमारे क्या करती हैं, रिमूव करती हैं, रिड्यूस करती हैं, और एक हेल्दी इमोशन को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं, जो कि हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है।
सेट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज को सेट करो, स्टैब्लिश हेल्दी बाउंड्रीज टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम सिचुएशन और रिलेशनशिप डैट कंसिस्टेंटली ट्रिगर डिस्ट्रक्टिव इमोशंस, कम्युनिकेट योर नीड्स असर्टिवली एंड प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर, सेल्फ केयर पर फोकस करो और ये बाउंड्रीज सेट करो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस के लिए कि जहाँ से क्रिएट हो रही है उसको हटाओ वहाँ से, ठीक है। टेंथ इज प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, इनकॉर्पोरेट माइंडफुलनेस टेक्निक्स इनटू योर डेली रूटीन टू इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस एंड थॉट्स विदाउट जजमेंट। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस लाइक मेडिटेशन और माइंडफुल ब्रीथिंग कैन हेल्प यू स्टे ग्राउंडेड एंड सेंटर्ड ड्यूरिंग चैलेंजेस मोमेंट। जब भी मोमेंट ऐसा कुछ आ रहा है आप डेली कुछ मेडिटेशन करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए, और ये सब करने से ये जो चैलेंजेस होती हैं डिस्ट्रक्टिव इमोशंस की वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कंट्रोल होती हैं। तो प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, ओके। डीलिंग विद डिस्ट्रक्टिव इमोशन इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट रिक्वायर पेशेंस, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड कमिटमेंट टू पर्सनल ग्रोथ बाय डेवलपिंग हेल्दी कॉपिंग स्ट्रेटजीज एंड सीकिंग सपोर्ट व्हेन नीडेड। यू कैन इफेक्टिवली मैनेज डिस्ट्रक्टिव इमोशन एंड कल्टिवेट ग्रेटर इमोशनल वेलबींग। तो डिस्ट्रक्टिव इमोशन के साथ डील करना पेशेंस वाला काम है, सेल्फ रिफ्लेक्शन जरूरी है, कमिटमेंट जरूरी है पर्सनल ग्रोथ के लिए, और सपोर्ट ढूंढें जब ज़रूरत पड़े किसी की तो चाहिए, मदद लीजिए। और इसको मैनेज करना बहुत ही बड़ा काम है, तो ये धीरे धीरे ही कंट्रोल होती है, ठीक है। तो मैंने बोला था यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, तो इसको कैसे डील किया जाए। आइडेंटिफाई द सोर्स ऑफ इमोशन, आइडेंटिफाई करो, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, यूज़ पॉजिटिव टॉक करो, सीख सपोर्ट ढूंढो और इंगेज इन एक्टिविटीज दैट प्रोमोट पॉजिटिव इमोशंस। आई होप सो कि इतना समझ में आया हो, आगे हम चलते हैं। नीड फॉर इमोशनल बैलेंस, इमोशनल बैलेंस की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। तो इमोशनल बैलेंस जो होता है वो एक एबिलिटी होता है इमोशंस के ऊपर मैनेज करने की, उसको हेल्दी बनाने की, उसको पॉजिटिव वे में फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी होती है, जो कि हमारे बिहेवियर से, जो कि जैसे हमारा जो हेल्थ होता है या फिर बिहेवियर होता है तो उसको प्रमोट करती है, ठीक है। इसलिए इमोशनल बैलेंस ज़रूरी है। तो इमोशनल बैलेंस क्यों ज़रूरी है, पहला कि इम्प्रूव रिलेशनशिप्स। तो इमोशनल बैलेंस जो होता है वो क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में मदद करता है, ठीक है। मतलब अगर इमोशनली कोई बैलेंस है तो वो ऑफ कोर्स हेल्दियर रिलेशनशिप होगा उसका दूसरे के कंपेयर में, तो वो एक अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अपने इमोशंस को अच्छे से शो कर पाएंगे, अपने कंस्ट्रक्टिव इमोशंस को, और कंस्ट्रक्टिव इमोशन ही सिर्फ फ्लो करेगा, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो ये जो होता है वो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है, ठीक है, इमोशनल बैलेंस, ठीक है। जैसे कि हम लोग इमोशनली बैलेंस रहेंगे तो हमें जब भी कभी स्ट्रेस होगा ज़्यादा तो हम लोग खुद को कंट्रोल कर पाएंगे, ऑफ कोर्स कंट्रोल कर पाएंगे, नेगेटिव जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर उसको कंट्रोल करने के लिए बैलेंस करना ज़रूरी है, ठीक है। अगला है इंक्रीज रिजिलियंस, तो इमोशनल बैलेंस के लिए हमें ज़रूरी है कि हम सहनशील बने, किसी भी एडवर्सिटी हमारा हो उसमें हम सहनशील बने, तो इससे कंट्रोल होगा इमोशनल बैलेंस, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, तो ये जो है डिसीजन मेकिंग जो कि हमारे इमोशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि जजमेंट में जो होते हैं हम लोग काफ़ी अच्छे हो जाते हैं अगर बैलेंस हुआ हमारा इमोशंस के ऊपर। तो हम लोग कह सकते हैं कि बाय लर्निंग टू मैनेज आवर इमोशन वी कैन मेक मोर रेशनल डिसीजन दैट अलाइन विद आवर वैल्यूज एंड गोल्स। टू कल्टिवेट इमोशनल बैलेंस इट्स हेल्प टू प्रमोट और प्रोड्यूस हेल्प सेल्फ हेल्प केयर, ठीक है। डेवलप इमोशनल रेगुलेशन स्किल एंड सीख सपोर्ट व्हेन नीडेड, दिस इंक्लूड किसी रेगुलर एक्सरसाइज में एंगेज होना या फिर थेरेपी के लिए किसी से थेरेपी लेना, ये सब होता है। तो बाय प्रायोरिटाइजिंग इमोशनल बैलेंस वी कैन इम्प्रूव आवर वेलबींग रिलेशनशिप एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग।